कोटा गढ़ महल का इतिहास बहुत ज़्यादा प्राचीन नहीं है, फिर भी इसकी भव्यता और विशालता में कोई कमी नहीं है। इसका स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना राजस्थान के अन्य प्राचीन किलों का है। कोटा गढ़ महल राजस्थान के जिलों में से एक कोटा जिले के अंतर्गत आता है। यह दुर्ग चंबल नदी के किनारे स्थित है। कहते हैं इसका निर्माण 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय ने करवाया था। इस किले की विशेषता यह है कि यह चंबल नदी के पूर्वी किनारे बना हुआ है। इस किले में प्रवेश के लिए एक प्रमुख दरवाज़ा है जिसे नया दरवाज़ा कहते हैं, जो कि तिप्ता चौराहा की तरफ है और ये दरवाज़ा हवा महल से घिरा हुआ है। कोटा का हवा महल भी जयपुर के हवा महल जैसा ही है। इस नया दरवाज़ा के निर्माण से पहले महल में प्रवेश के लिए शेलर घाजी दरवाज़ा हुआ करता था, जो कि नया दरवाज़ा के दक्षिण में केशवपुरा पोल के पास हुआ करता था, जिसे कोटिया भील की स्मृति में बनाया गया। इन्होंने राज्य की रक्षा करते हुए बूंदी के राजा जेता सिंह से 1264 में युद्ध करते हुए अपने प्राण त्यागे थे। आज भी कोटिया भीलों के वंशजों को शाही परिवार की तरफ से सम्मान दिया जाता है। और कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि इस दुर्ग का परकोटा आगरा दुर्ग के बाद सबसे मजबूत है। कोटागढ़ महल एक भूतिया महल है, ऐसा कई समाचार पत्रों और टीवी के खोजी लोगों ने बताया है। यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को भी ऐसा ही अनुभव हुआ है, लेकिन यहाँ पर किसी के हताहत या नुकसान पहुँचाए जाने की घटनाएं सुनने में नहीं आई है। राजस्थान का प्रत्येक महल और किला अनेक राजाओं के रक्त युद्धों का साक्षी है, और जब ये राजा लोग या उनके सैनिक अपने किले महल या राज्य की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का त्याग करते थे, तो निरंतर अपनी उसी राज्य किले या महल का स्मरण करते हुए ही प्राणों का त्याग करते थे। और जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य अंत समय में जितना स्मरण करते हुए अपने प्राणों का त्याग करता है, उसकी आत्मा वही बनी रहती है। यह संभव है कि कई राजाओं और उनके सैनिकों की आत्माएं अभी भी कोटागढ़ महल में घूमती हो और इसकी रक्षा करती हो। तो दोस्तों, ये थी कोटागढ़ की कुछ जानकारी। आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।